भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर की ओर से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से रामगंगा विहार के स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं निकाय चुनाव प्रभारी जतिन प्रसाद एवं राज्यसभा सांसद एवं जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर शामिल रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा एवं संचालन भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष अनुपेंद्र चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जतिन प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। महापुरुष ज्योतिबा फूले जी के विचारों को हमें जन जन तक पहुँचाना है। संगोष्ठी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, महानगर प्रभारी YP सिंह, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, संगोष्ठी कार्यक्रम संयोजक अनुपेंद्र सिंह, जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, महामंत्री नथुराम कश्यप, श्याम बिहारी शर्मा, दिनेश शिष्ट, कमल गुलाटी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, आर्थिक प्रकोष्ठ संयोजक राजेश रस्तोगी, क्षेत्रीय सह मीडिया निमित जयसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, कार्यालय मंत्री सोनू शर्मा, अरुण पंडित, चकित चौधरी, गजेंद्र चौधरी, मनमोहन सैनी, मोहनलाल सैनी, हरीश जाटव, अजय वर्मा, विपिन प्रजापति, हरीश प्रजापति, संजीव चौहान, अमित सिंह, माया सैनी, शिशि किरण, सुनीता शर्मा, रुचि चौधरी, भावना बंसल, द्रौपा देवी, रेखा दिवाकर, योगेश गुप्ता, सुदीप कुमार, पूनम सैनी, रानी सैनी, अमित शर्मा, अनुराग सिंह, राहुल सेट्टी, अनु शर्मा, महेंद्र पाल, योगेश गुप्ता, सुरेंद्र विश्नोई, अनुप कौशल, अनुज शर्मा, तुषार विश्वास, प्रशांत शर्मा, नन्हे चौधरी, पंकज यादव, शशांक यादव, रूप किशोर, अभिषेक चौबे, अभिषेक राठौर, राजीव राजपूत, रवि सैनी, बलजीत बाला, रचित बघेल, विनोद पुष्कर, पंकज चंद्रा, रचित अग्रवाल, रतीश रस्तोगी आदि सैकड़ों की संख्या में महानगर मंडल मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल है। फूले जो इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते जा रहे और आज हम सब लोग उनको नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम हमारे साथी और माननीय राज्यसभा के सदस्य और यहाँ के प्रभारी भी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी, भाई सुरेंद्र नागर जी, जिनको और जब जब मैं भी उस सदन का सदस्य हूँ और जब जब जयपाल जी वहाँ उठते हैं तो मुरादाबाद जनपद की समस्या और जनमानस की आवाज गूंजती है सदन के अंदर। आज अभी बता रहे थे कि बाद में बोलना नहीं चाहिए, मगर जयपाल जी के बाद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ बचता नहीं है बोलने को। इनका इतना विद्या और ज्ञान का भंडार है, तो वो आज हमारे बीच में है। हमारे महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री और महानगर के प्रभारी YP सिंह जी, पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, ये आज जिस व्यक्ति की याद में हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत सी बातें कही गई और जन जन जानता भी है और जो नहीं जानते वहां तक महापुरुष के विचार और उनका समाज के प्रति योगदान हम लोगों को पहुंचाना है। जो हमारा संगठन है वो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा, जिन लोगों ने अपना समाज के लिए, समाज उद्धार के लिए अपना जीवन खपाया है, उन लोगों के लिए 200 वर्ष पुरानी तकरीबन, मगर आज भी वो चुनौतियां जिंदा है समाज के अंदर। ये वो महापुरुष है ज्योतिबाई जी, महात्मा की जिनको उपाधि मिली तभी मिली कि 200 साल पहले उन्होंने समाज में जो चुनौतियां थी उनको पहचान लिया और उसको, उन चुनौतियों को समाज को तैयार कर लिया उनके सामना करने के लिए और बदलाव और परिवर्तन लाने के लिए।
आज भी शिक्षा को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो इन्हीं के पद चिन्हों पे है। जो पहला लड़कियों का स्कूल कभी खुला होगा तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, तो ये वो विचार है जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग इस उद्देश्य को आगे ले जा रहे हैं और इसकी पूर्ति करने, क्योंकि ये अधूरा, बहुत प्रयास हुए हैं, बहुत परिवर्तन आया है, मगर ये विचार महिला सशक्तिकरण जो विवाह हो जाते थे बाल विवाह वो प्रथा तमाम ऐसी और समाज में जो विसंगतियां थी उनको सुधारने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। तो जो मूल उनका उद्देश्य और मूल उनके विचार थे मैं समझता हूं हम सब लोग तो जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी जैसे बताया अभी नागर में उसकी पूर्ति के लिए रात दिन एक कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा उदाहरण, मगर जो सेवा भाव वो भी पार्टी ने अपनाया। ये जो ओबीसी मोर्चा है या पार्टी का संगठन है, हम सब लोग इसलिए फर्क है अन्य दलों से और इसलिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा कि सिर्फ वोटों के लिए राजनीति नहीं की जा रही, ये संगठन सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए नहीं खड़े किए गए, समाज की सेवा करने के लिए भी किए गए। चाहे वो कोरोना काल में पूरा संगठन जमीन पर उतर गया था, लोगों की सेवा भाव में अपनी जान के ऊपर खेलते हुए लोगों की रक्षा के लिए कौन सा वो कार्यक्रम था जैसे बताया मेरा बूथ कोरोना को एक ये भी चला गया, जो ये पखवाड़ा चल रहा है इसमें भी दवाइयों से लेके लोगों के सुविधाओं को लेके संगठन जमीन पे उतरा हुआ। जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना 80 करोड़ लोगों के देश को अनाज उपलब्ध कराना जरूरतमंद लोगों को, वो भी इस विचार का एक आगे ले जाने की एक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने सजोई। मगर ये सब योजनाएं, मैं मंत्री भी हूं फाइलें भी साइन करता हूं, मगर योजनाएं सिर्फ फाइलें साइन करने से नहीं सफल हो जाती, परिवर्तन कोई बड़ी बड़ी घोषणाओं से या बड़े बड़े आयोजनों से नहीं होता, ये हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो मंच पर बैठे हो चाहे यहां बैठे हो सामने, सब बराबर जिसकी जितनी क्षमता जिससे हो जिस लायक हो, मगर उस पूर्ति के लिए वो अपना आगे योगदान दे, तब जाके योजनाएं सफल होती, तब जाके जो ये महापुरुष हैं जिनके आज हम जयंती मना रहे हैं इनकी सुझाई भी कल्पना पूरी होती तब धरातल पर परिवर्तन दिखाई देता। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके मैं कह सकता हूं कि हाँ सही माने में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रात दिन उनकी क्या उनकी तपस्या उनका नेतृत्व, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है और हम उस महान संगठन के हिस्सा हैं जहां ऐसा विशाल नेतृत्व जिसके ऊपर देश की जनता की पूरी आस्था है। तो साथ ही साथ आज जो हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती को प्रैक्टिकल रूप में उनके विचार और उनकी संघर्ष को और आगे ले जाने के, मगर राजनीति में भी है क्यों एवरीथिंग, तो वो भी एक बड़ा माध्यम होता है। और अब ये सामने जो चुनाव की चुनौती है निगम निगम की, ये
आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, प्रयोग होगा। और हम सबको प्रधानमंत्री जी जो नए भारत का परिवर्तन और बदलाव लेके संकल्प लेके चले हैं, तो चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, हम सबको कमर कस लेनी चाहिए और पूरी दमदारी से तैयारी करके एकजुट होकर इस चुनाव के लिए उठना पड़ेगा। तो तैयार है कि नहीं है? मुरादाबाद है ना, नाश्ता नहीं करवाए दे दी। तैयार है कि नहीं तैयार है? बिल्कुल पूरी तैयारी से, वार्ड मेंबरी से लेके नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छोटा हो या बड़ा, आपसी मतभेद भुला के ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई उन महापुरुषों के संकल्प को पूरे करने की है, ये लड़ाई उन लोगों की है जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, ये लड़ाई उन लोगों की है जो अभी आपने देखा लोग पहुंच गए विपक्षी दलों के और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हटाना चाह रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की ये पहल रही, जल्द से जल्द दोबारा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू करा के तुरंत चुनाव कराने की पहल कराई गई। तो इसके सम्मान के लिए, इसकी रक्षा के लिए और सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, रात दिन करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई। तो चंद लोगों को चांस मिलता हो चुनाव लड़ने, और बहुत से लोग जो कर्मठ हैं, जो लॉयल हैं, जिनका योगदान रहा होगा, जिनका बहुत तो संघर्ष रहा होगा, वो वंचित भी रह जा सकते। मगर मैं आपसे विनती करता हूं, मैंने देखा है ये दल, यहां का नेतृत्व, सबका समय आएगा और सबको सही समय पे उनको भी चांस मिलेगा। तो अपने आप से मतभेद भुला दीजिएगा, जो पार्टी तय करेगी उसके लिए सब लोग लामबंद हो जाएं और पूरी दमदारी से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए लग जाए। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं भी जयपाल जी की तरह वो फुट नोट की तरह ही संक्षिप्त में ही